18 साल के लिए मैं रिसर्च करती आई रही हूँ, और 1988 में पापा का देहांत हुआ था और मेरा रिसर्च 1989 में शुरू हुआ था। 1990 में रशिया राज कपूर को श्रद्धांजलि देना चाह रहा था और जितना रिसर्च हुआ था उस वक्त तक उन्होंने लिया और 1,00,000 कॉपी छापी रूसी भाषा में। फिर मेरा रिसर्च जारी रहा, चलता रहा, धीरे धीरे किताब बनती रही और 2002 में पेंगुइन ने अंग्रेज़ी टेबल टॉप का एडिशन को निकाला और आज 5 साल बाद असली किताब आई है। जब आम आदमी के लिए किताब आई है, पॉकेट साइज पेपर बैक किताब जो मार्केट में 95 रुपये में जाएगी और हर रेलवे स्टेशन पे मिलेगी, हर दुकान पे मिलेगी, और उस आदमी के लिए जिसने राज कपूर को राज कपूर बनाया और जो राज कपूर को याद करता है और राज कपूर के बारे और जानना चाहता है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसे ये किताब और ये बेटी की श्रद्धांजलि पसंद आए। ऋतु जी, जीवन की सच्चाइयों को सुनहरे पर्दे पर उतारने का जो स्टाइल राज कपूर साहब का था, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या उन लम्हों का, क्या उन जज्बे का जिक्र भी है किताबों में कुछ? हाँ जी, बहुत जिक्र है बचपन से लेके आखिर तक। और ये भी पता लगता है कि राज कपूर जी वो बहुत इस्तेमाल करते थे अपनी फिल्मों में, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन से लेकर आखिर तक, जो उन्होंने सब दर्शकों को अपने फिल्म के द्वारा दिखाया है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस थे। ऐसे लम्हों में जब उनके ऊपर एक किताब आप रिलीज करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ लम्हात बांटेंगे हमारे दर्शकों से जो आपके दिल के सबसे करीब हों उनके उनके साथ बिताने में? मेरे पर्सनल लम्हा जो पापा के साथ बिताए गए हो, आई थिंक आज देखिए वो हमारे साथ नहीं है। और मेरी मोस्ट प्राइज पोजेशन है एक डोली का गीत जो पापा ने मेरे लिए बनाया था जब मेरी शादी हुई थी, और वो गीत के जो लव्स उन्होंने लिखे थे वो जैसे कि बचपन से लेके जब बच्चे बड़े होते हैं वो ज़िंदगी का मेंटर था, उसी को हम सुनते देखते बड़े हुए हैं। और वो चीज़ मेरे पास पापा की खुद की आवाज़ में है और मेरे लिए वो मोस्ट प्राइस पोजेशन है पापा की, जो आज जब भी मैं उसे सुनती हूँ, उसे देखती हूँ, मुझे पापा की याद आती है। और बेसिकली मन में तो मैं मानती हूँ राज कपूर इज अ पर्सन हु विल नेवर डाई। कपूर खानदान की बात करें, ये चौथी पीढ़ी है रणबीर कपूर के रूप में जी जो फिल्मों में आ रही है, आपको क्या लगता है रणबीर कपूर क्या उसी तरह की सफलता प्राप्त कर पाएंगे जो पिछली 3 पीढ़ियों से वो चली आ रही है, वो परंपरा निभा पाएंगे? उसे करना ही पड़ेगा। अब जब हम बुक रिलीज करेंगे आप देखेंगे, मेरा रिसर्च ने ही मुझे बताया है।